Hello and welcome everyone to our channel Z2I Tutorials. For those who are new, I am Salman Ahmed and I did my M.Tech from IIT Dhanbad and I have more than 6 years of experience. In the last lecture, we did some questions on Euclid's division lemma and also we saw an important property of SCF and LCM. In today's lecture, we will see a property of a rational number. आज एक क्लास में हम रेशनल नंबर को कैटेगराइज करेंगे दो पार्ट में जो कि हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो यहाँ हमें करना क्या है कि हमें चेक करना है कि हमें एक रेशनल नंबर दिया हुआ है वो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा या फिर रिकरिंग डेसिमल नंबर होगा। यहाँ पर यह हमें चेक करना है। इससे बोर्ड में हर एवरी ईयर एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो लेट स्टार्ट। तो देखते हैं आज के लेक्चर में हम लेट ए बी अ रेशनल नंबर। जैसा कि हमने कहा था अभी कि हमें एक रेशनल नंबर को कैटेगराइज करना है कि वो कौन सा रेशनल नंबर होगा, आइदर टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो हमने क्या किया, एक ए रेशनल नंबर ले लिया इन द सिंपलेस्ट फॉर्म P by Q। हमने क्या बोला कि एक A रेशनल नंबर तो है लेकिन वो रेशनल नंबर जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, कोई भी फ्रैक्शन या रेशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में कहने का मतलब है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उन दोनों का जो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो वन होगा। वन के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं हो सकता। दैट वी कैन से दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। ये बाकी लोग जानते हैं सब लोग कि सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है HCF इज वन और यू कैन से बोथ आर को प्राइम नंबर्स। सो मैंने क्या बोला कि ए रेशनल नंबर है लेकिन वो सिंपलेस्ट फॉर्म, ये ध्यान रखना कि ए जो रेशनल नंबर होगा वो पी बाई क्यू सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए एंड पी क्यू आर इंटीजर्स। P और Q क्या होगा, वो इंटीजर्स होगा एंड Q नॉट इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स जो हमने फॉर्म लिखा है P by Q, उस फॉर्म में P और Q दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे और Q नॉट इक्वल टू जीरो होगा, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। अगर ये हमें पता है कि ये फॉर्म होगा तो आप कैटेगराइज कैसे करेंगे, तो कैटेगराइज यहाँ पर दो पार्ट में होगा। कैसे कैसे हम कहेंगे कि अगर इफ P by Q is terminating decimal if, जो P by Q हमने लिखा है वो एक रेशनल नंबर है, वो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा कब, जब हमारा जो डिनोमिनेटर है दैट इज Q, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो Q is of the form 2 to the power m into 5 to the power n। अब मैंने क्या बोला कि जो मेरा रेशनल फॉर्म था p by q उसका जो डिनोमिनेटर है अगर 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में है तो हम बोलेंगे कि p by q हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। अब बात यहां यहां पे ये है कि m और n क्या है, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। एम और एन क्या है, एम और एन मेरा जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और यू कैन से होल नंबर्स है, ठीक है। अब बात है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ, एम और एन दोनों जीरो हो सकता है। जीरो अगर होगा तो क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा, तब भी पी बाई क्यू क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर m और n में से कोई भी एक जीरो हो गया तो या तो अगर ये जीरो हुआ तो ये फाइव बच जाएगा, अगर n जीरो हुआ तो टू बच जाएगा, तब भी मेरा पी बाई क्यू टर्मिनेटिंग डेसिमल में होगा। लेकिन अगर टू और फाइव के अलावा और कुछ आया तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो सिंपल सा केस है, या तो टू रहे या फाइव रहे या दोनों के मल्टीपल रहे, या तो वन रहा वो हमारा p by q टर्मिनेटिंग फॉर्म में हो जाएगा। सेकेंड केस मैंने बोला कि ये तो टर्मिनेटिंग केस हो गया। अब सेकेंड केस, इफ p by q
You can say P by Q is recurring decimal number. Recurring means non-terminating and repeating decimal number. That is called recurring decimal number. P by Q is recurring decimal number if is not in the form of 2 to the power m into 5 to the power n. सिंपल से बात है कि p by q अगर 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में हुआ तो p by q कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर. अगर इस फॉर्म में नहीं है तो हम कहेंगे p by q is a recurring decimal number और a non-terminating repeating decimal नंबर. तो बेसिकली हमें चेक करना, तो यहां पर क्या करेंगे, अगर हम किसी भी रेशनल नंबर को अगर चेक करना है या नहीं तो सबसे पहले चेक करेंगे कि वो p by q सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है. अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में है तब आगे बढ़ेंगे और चेक करेंगे कि जो हमारा डिनोमिनेटर है क्या वो इस फॉर्म में है या नहीं है. अगर होगा तो टर्मिनेटिंग, अगर नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दैट इज रिकरिंग डेसिमल नंबर हो जाएगा मेरे पास. ठीक है, तो इसके बेसिस पे अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है. ठीक है, सो आवर क्वेश्चन इज, क्वेश्चन समझना ध्यान से, इस क्वेश्चन में मैंने सारे पार्ट को इंक्लूड कर दिया है एक ही क्वेश्चन में. क्वेश्चन क्या कहता है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, मतलब कि इसको डिवाइड करके देखना नहीं है हमें, कैसे करना है आगे बताते हैं. विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग, और भी क्वेश्चन आने वाले हैं उनके बारे में, ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स. ये बता दिया कि जो हमें दिया हुआ है ये नंबर, ये रेशनल फॉर्म में है, रेशनल नंबर तो है, अब उसमें कैटेगराइज क्या होगा वो हमें बताना है. शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब ये जो रेशनल नंबर है ये टर्मिनेटिंग हमें प्रूफ करना है, ये है. ठीक है, एक पार्ट हो गया कि प्रूफ करना टर्मिनेटिंग होगा. सेकेंड पार्ट, एक्सप्रेस ईच इन डेसिमल फॉर्म. टर्मिनेटिंग करने के बाद हमें इसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, वो भी उसका भी ट्रिक है आगे बताऊंगा. उसके बाद जब कन्वर्ट कर लिया तो हमें बताना है, चेक ऑल्सो चेक इट विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स. जो डेसिमल आया है उसमें कितने प्लेस के बाद मेरा वो टर्मिनेट कर रहा है. तो मेरा तीन पार्ट है, वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे. सबसे पहला चीज़ होता है कि हमें ये बताना कि जो हमारा रेशनल नंबर है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है. सिंपल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि जो रेशनल नंबर है p बाई क्यू, उसमें p और q का दोनों का कॉमन फैक्टर मैक्सिमम कितना होगा, वन होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है. तो सबसे अच्छा ये है कि जो डिनोमिनेटर में है वो क्या है, फैक्टर्स है, 2 के फैक्टर और 5 के फैक्टर्स है. तो हम पहले ये चेक कर लेते हैं क्या ये 33 2 और 5 से डिविजिबल होता है नहीं है, या यू कैन से कि 2 एंड 5 आर द फैक्टर ऑफ 33 और नॉट. अगर नहीं होगा तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सीरियस बात है. तो पहले हम वो चेक करते हैं. तो देखो ये बताओ कि क्या 2 और 5 33 का फैक्टर है, क्या 33 2 से डिविजिबल है, नहीं है, 5 से है, नहीं है, मतलब कि 2 और 5 33 का फैक्टर नहीं है. तो पहले हम ये बता देंगे इसे, उसके बाद आगे हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 2 एंड 5 आर नॉट द फैक्टर्स ऑफ 33, 2 और 5 33 का फैक्टर नहीं है. देयरफॉर गिवन रेशनल नंबर इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म. तो सॉल्व करने से पहले हम ये बता देंगे कि जो हमारा गिवन रेशनल नंबर है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है. अब सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो अब हम आगे बढ़ेंगे. आगे क्या कि चेक करेंगे कि वो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, या शो करना है कि वो टर्मिनेटिंग आएगा. कैसे, देखो इस रेशनल नंबर में मैंने क्या बोला कि डिनोमिनेटर चेक करते हैं कि वो 2 और 5 के टर्म में है कि नहीं है. यहां तो सिंपली 2 और 5 दिखा दिया. मान लो कि यहां पर 2 5 टर्म में नहीं दिया होता, कोई नंबर दिया होता, तो हम उस नंबर का फैक्टर निकालते हैं और चेक करते हैं कि वो वहां पर क्या आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है. ये तो सिर्फ तुम्हारा सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है, कि 2 और 5 के टर्म में दिया हुआ है. इन द गिवन नंबर 2, in the given number, 2 to the power 3 into 5 square, यही है given number के denominator के बारे में बात हो रहा है. In the given number, 2 to the power 3 into 5 power 2,
is in the form 2 to the power m into 5 to the power n. ठीक है, जो हमारा डिनोमिनेटर था वो किस फॉर्म में है, 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में है, और m और n दोनों क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर दैट इज होल नंबर है. तो वेयर m इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 2. तो ये क्लियर हो गया कि जो हमारा डिनोमिनेटर था वो 2 और 5 के फॉर्म में है. देयरफॉर ये क्या होगा, रेशनल नंबर, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो जाएगा. देयरफॉर 33 बाई 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर. ठीक है, तो पहला चीज हमने बताया कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है. दूसरा चीज कि जो डिनोमिनेटर हमारा है वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देयरफॉर द गिवन रेशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर. पहला पार्ट क्लियर हो गया, अब बढ़ते हैं अपने हमारे नेक्स्ट पार्ट में. अब वो बोला है कि एक्सप्रेस करना है उसे डेसिमल फॉर्म में, मतलब कि डेसिमल बनाना है. तो इसके लिए अब हम डिवाइड नहीं करेंगे, इसे हम थोड़ा शॉर्टकट दिखेंगे. हमें पता है कि डेसिमल फॉर्म जो होता है, अगर उसका डिनोमिनेटर में अगर 10, 100, 1000, 10,000 के टर्म्स में अगर रहता है तो हमारा डेसिमल जो है बहुत ईजिली आएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा है 45 by 1000 तो आंसर क्या आएगा, 0.045. तो मतलब ये कि अगर डिनोमिनेटर में हमारा अगर जीरोस के फॉर्म में रहेगा तो डेसिमल हमारा बड़ा इजीली निकल जाएगा. ठीक है, तो हम ट्राई करेंगे कि इसे इसी फॉर्म में बनाने का. कैसे, अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, 33 बाई 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर. अब नीचे में टेंस के फॉर्म में कैसे बनेगा, ये तब बनेगा ना जब 2 5 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा. 2 और 5 दोनों हैं, मतलब 10 तो बनेगा. लेकिन बात यह है कि यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 2 है. अब ध्यान दो, अगर यहाँ पर ऐसा होता कि 2 की पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3, तो विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंशियल लॉ हम लोग कह सकते हैं कि 2 इंटू 5 टू द पावर 3 देन 10 टू द पावर 3, तो ये बन जाएगा 1000. तो हम लोग ट्राई ये करते हैं कि डिनोमिनेटर में जो 2 और 5 है दोनों के एक्सपोनेंट, दोनों के पावर को हम लोग सेम बनाया जाए, ताकि हम लोग का टेंस के फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है, तो बनाने का सबसे अच्छा मेथड ये है. और हमें ये भी पता है कि फ्रैक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर ये 3 और ये 2 है, तो अगर इसमें हमने डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये क्या बन जाएगा, 5 टू द पावर 3. अब 3 सेम हो गया, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई हुआ है तो न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई होना जरूरी है, ताकि हमारा रेशनल नंबर की वैल्यू चेंज ना हो, वो बैलेंस बना रहे. ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, ये क्या बन गया, ऊपर में क्या बना 165 और नीचे में क्या आ गया, नीचे में आ गया 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3. अब दोनों के पावर हमारा 3 आ गया. अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंट लॉ लगाकर लिख सकते हैं 2 इंटू 5 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर 3 और 165 डिवाइड बाई 1000. पावर 3 है, बन गया 1000. अब इजिली कोई कह सकता है कि इसका आंसर क्या होगा, 0.165. तो हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन कहा था विदाउट एक्चुअल डिवीजन, तो हमने डिवाइड नहीं किया है, हमने एक ट्रिक लगाया और उस ट्रिक से हमने इजिली हमने अपना डेसिमल नंबर निकाल लिया. ठीक है, इसी तरह से इस तरह के क्वेश्चन सब में हम लोग सॉल्व ऐसे करने वाले हैं. अब ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया फिनिश. थर्ड पार्ट में बढ़ते हैं. थर्ड पार्ट क्या कहा हमने कि चेक इट विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल. डेसिमल के कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट कर रहा है, काउंट कर लो डेसिमल के बाद, 1, 2, 3. तो 3 प्लेस के बाद हमारा ये डेसिमल नंबर टर्मिनेट कर गया. तो हम लोग क्या कह सकते हैं, देयरफॉर इट विल टर्मिनेट आफ्टर 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल. तो ये 3 पार्ट एग्जाम में हो सकता है कि क्वेश्चन अलग अलग आ जाए. कोई क्वेश्चन ने पूछ दे कि प्रूफ कीजिए कि टर्मिनेट है या नहीं है, किसी ने पूछ सकता है कि डेसिमल फॉर्म निकालो तो निकलेगा इस मेथड से, कहीं पूछ सकता है कि कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट कर रहा है, तो पहले तो हमें डेसिमल निकालना पड़ेगा. डेसिमल निकाल कर हम चेक कर लेंगे कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट वो
कर रहा है। तो ये मेथड होता है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। सो आवर सेकेंड क्वेश्चन इज वी हैव टू चेक वेदर 47/10,000 इज अ टर्मिनेटिंग और नॉट। अब यहां पर तो फैक्टर दिया हुआ नहीं हुआ है, तो मैंने क्या बोला कि पहले हम चेक करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। तो एक काम करते हैं, पहले इसे कन्वर्ट करते हैं फैक्टर्स में। ये बताओ कि जो हमारा डिनोमिनेटर है 10,000 वो किसका फैक्टर है। शॉर्टकट देख सकते हैं हम लोग, ये क्या होता है 10^4 और वी कैन से 2^4 इंटू 5^4। 2×5 = 10, 10^4 10,000 ईजिली निकल गया। तो 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर होगा? ऑब्वियस बात है नहीं होगा। ये तो हमारा हो गया। अब चेक करना है हमें कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। तो मैंने क्या बोला कि जो हमारा फैक्टर है वो अगर इसका फैक्टर हो गया, जो हमारा ये 2 और 5 लिखा हुआ है, अगर ये इसका फैक्टर हुआ तो वो सिंपलेस्ट में नहीं होगा। लेकिन हमें पता है कि 2 और 5 47 का फैक्टर नहीं होता है। हम लोग क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट 2 and 5 आर नॉट द फैक्टर्स ऑफ 47। जब ये फैक्टर नहीं है इसका मतलब सिर्फ 1 फैक्टर होगा, इसका मतलब दोनों को प्राइम। तो ये हम कह सकते हैं कि देयरफॉर इट इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये क्या होगा, अगर 2 और 5 इसका फैक्टर नहीं तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। तो अब हमारा पहला चीज है कि सिंपलेस्ट फॉर्म तो हो गया, अब चेक करते हैं टर्मिनेट है कि नहीं है। क्या कैसे करते हैं हम लोग कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में बताया गया है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2^4 इंटू 5^4 इज इन द फॉर्म 2^m इंटू 5^n where m इक्वल टू 4 एंड n इज ऑल्सो 4। तो जो हमारा डिनोमिनेटर हुआ वो 2^m इंटू 5^n के फॉर्म में है, जहां पर m और n की वैल्यू क्या है 4, दैट आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, दैट मीन्स m एंड n आर होल नंबर्स। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर इट इज द गिवन रेशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। पहला पार्ट खत्म। सेकेंड पार्ट में क्या है कि हमें बताना है कि वो डेसिमल फॉर्म में कैसे आएगा। तब तो सिंपल है, ये क्या है 47/2^4 इंटू 5^4। क्या करेंगे, यहां पर पावर सेम है, इजली क्या बन जाएगा 10^4। इसका मतलब 47/10,000 और यू कैन से 0.0047, ये हमारा आ गया इस रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म। अब बात ये है लास्ट पार्ट कि आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल इट विल टर्मिनेट। कितना प्लेस होगा डेसिमल के बाद, 1, 2, 3, 4, दैट मीन्स इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। इट विल टर्मिनेट After 4 places of decimal, ये भी क्लियर हो गया कि 4 place के बाद हमारा decimal जो है वो terminate कर जा रहा है। तो ये हमारा 3 part इस तरह से हो गया। तो इस question में हमने क्या देखा कि अगर denominator factor की form नहीं है तो factor form में वो हम निकाल लो, या तो prime factor method निकाल लो, या तो थोड़ा trick लगाकर निकाल सकते हैं इसको हम। तो ये हमारा part इस question का हो गया। So, इस क्वेश्चन में क्या दिया है 6/2^3 इंटू 5^2। अब इसमें थोड़ा डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि सबको मालूम है कि चलो 5 तो 6 का फैक्टर नहीं है, लेकिन 2 जो है वो 6 का फैक्टर है, 2 6 को डिवाइड कर सकता है। तो जब ये फैक्टर है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में तो हुआ नहीं, तो हम क्या करेंगे इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 से हम 3 को डिवाइड कर दो, तो ऊपर क्या बचेगा 3। इसमें से 1 2 हमने यूज किया है 6 को डिवाइड करने में, क्या बच गया यहाँ पर 2^2 = 5^2। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, बाकी सारा मेथड हम लोग सॉल्व करेंगे सेम तरीके से। पहला चीज सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सेकेंड चीज
कि नीचे में 2^m इंटू 5^m के फॉर्म में है, इसलिए ये जो डेसिमल नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तीसरा चीज़, अगर हम बात करें डेसिमल के बारे में, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि 3/10² दैट मीन्स 3/100 और 0.03 इसका डेसिमल आ जाएगा। और आफ्टर हाउ मेनी प्लेस, तो आफ्टर 2 प्लेसेज ऑफ डेसिमल इट विल टर्मिनेट। तो बाकी सारा क्वेश्चन वैसे ही बना जैसे मैंने बताया था, बस डिफरेंस क्या है यहाँ पर कि ये अब हमने इसको सिंप्लीफाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में बना दिया है। ठीक है, यहाँ पर 2 और 5 का दोनों का पावर सेम है, इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, ये सिंपल 10^2 बनाएगा, बाकी सारा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17/625। अब इसमें थोड़ा क्या डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस ये है कि पहली बात तो ये कि पहले हम चेक करते हैं कि इसका डिनोमिनेटर का फैक्टर क्या है। जब इसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, वो आएगा 5^4। इसको यूज़ करो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो 5 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 625, तो 5^4 आ गया। पहला चीज़ चेक कर ये करते हैं कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है। तो क्या 517, यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 के बारे में बात करेंगे नहीं, 5 सिंपल है, तो क्या 5 के 17 का फैक्टर होता है, नहीं होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 17, देयरफॉर इट इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। 5 17 का फैक्टर नहीं है, तो ये जो रेशनल नंबर है वो क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब मैंने बताया था कि जो डिनोमिनेटर जो मेरा डिनोमिनेटर है उसका फॉर्म क्या होना चाहिए, 2^m इंटू 5^m। तो ये जो 5^4 है उसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2^ असल में यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई में है कि नहीं है, वी कैन से दैट 5^4 इंटू 1, कोई भी नंबर 1 से 2 मल्टीप्लाई होता ही हमेशा है, और 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 को लिख सकते हैं 2^0, हो सकता है ना, यहाँ पर 2 नहीं था बट 1 तो था, और 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2^0, बिकॉज एनी थिंग 2^0 इज ऑलवेज 1। तो ये क्या बन गया, 2^0 इंटू 5^4। अब ये किस फॉर्म में है, इज इन द फॉर्म 2^m इंटू 5^n है, क्यों, वेयर m इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 4। मैंने बताया था कि m और n क्या होता है, m और n होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब कि वो 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पर 2 नहीं था इसलिए मैंने 2^0 लगा दिया अपने मन से, ताकि वो फॉर्म उस तरह का दिख जाए हमें। ठीक है, तो n ये तुम्हारा होल नंबर है, तो ये हमारा सही हो गया। तो फॉर्म क्या बना, 2^0 इंटू 5^n इस फॉर्म में आ गया। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम लोग कि इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा। अब देखते हैं उसको, 17/5^4 का डेसिमल फॉर्म क्या होगा। मैंने बताया था कि नीचे में अगर 2×5 रहेगा तो बहुत अच्छा है, तो हमारा आराम से 10^ समथिंग बन सकता है। तो अगर यहाँ 5^4 है तो हम लोग अपने मन से 2^4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ताकि क्या बन जाएगा, 10^4। अब डिनोमिनेटर में अगर 2^4 से मल्टीप्लाई हुआ है तो न्यूमिनेटर में भी 2^4 से मल्टीप्लाई होगा, तो इससे ऊपर क्या बन जाएगा, 17×16 बन जाएगा, और नीचे क्या बन जाएगा, 10^4। और 17×16 क्या होता है, 272/10,000, और यू कैन से 0.0272। डेसिमल फॉर्म क्या आ गया, 0.0272। डिवाइड करने का जरूरत हमें पड़ा नहीं, अगर इसको इससे डिवाइड करोगे तो यही आंसर आना है। तो हमने क्या किया, शॉर्टकट यूज किया, यहाँ पे हो सकता है। दूसरा चीज, डेसिमल फॉर्म में आ गया तो लास्ट पार्ट क्या है, आफ्टर टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस, तो द गिवन डेसिमल इज विल टर्मिनेट आफ्टर 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ये हमारा इस तरह से हो गया। तो इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था, इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये था कि यहाँ पर 2 का फैक्टर नहीं दिया था, इसका मतलब 2^0 है,
बट पावर एम और एन तो बन रहा है, मेरा पहला ही पार्ट था ये, मेरा पहला ये कॉन्सेप्ट था कि एम और एन नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा जिसमें जीरो हो सकता है, तो वो फॉर्म बना तो टर्मिनेट भी हुआ, और डेसिमल बनाने के लिए हमने 2 to the power 4 से मल्टीप्लाई किया नीचे भी और ऊपर भी, ताकि हमारा फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो मेंटेन रहे और बैलेंस रहे, तो हमारा डेसिमल आ गया। इस तरह से ये क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। अब कहीं पर हो सकता है कि 2 to the power समथिंग दिया हुआ हो, 5 to the power ना दिया हो, तो वहाँ पर 5 to the power 0 हो जाएगा, उस तरह से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो इससे पहले हमने बात किया था कि शो करना था हमें कि वो रेशनल नंबर जो है टर्मिनेटिंग है या नहीं है। यहाँ पर हमें शो करना है कि ये जो रेशनल नंबर है विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जिसे हम और क्या बोलते हैं, रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या चेक करते हैं हम लोग, सेम चीज़ कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर का हम फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स। जब निकालेंगे तो हमें मिलेगा कि क्या होता है, वो हमें ऐसे भी दिख रहा है कि ये क्या होता है, 7 का क्यूब होता है। अब ये बताओ कि जो फैक्टर हमारा 7 है, क्या वो इसका फैक्टर है, वो नहीं है। हम लोग कह सकते हैं कि सिंस 7 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 33, 7 33 का फैक्टर नहीं है, देयरफॉर इट इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, और द गिवन रेशनल नंबर इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब चेक करते हैं कि और क्या कहानी है। अब क्या चेक करेंगे हम लोग, चेक करेंगे डिनोमिनेटर, क्या डिनोमिनेटर में 2 है या 5 है, दोनों नहीं है। उसके अलावा अगर कोई भी नंबर आता है नीचे में तो वो टर्मिनेटिंग हो ही नहीं सकता है, या तो 2 हो जाए या सिर्फ 5 हो जाए, या 2 और 5 दोनों हो जाए, या दोनों नहीं हो, और कोई नहीं हो सकता। अगर और कोई नंबर अगर आता है 2 और 5 के अलावा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दैट इज रिकरिंग डेसिमल हम होता है। तो हम यह लिख सकते हैं कि 7 to the power 3 इज नॉट इक्वल टू 2 to the power m इंटू 5 to the power n, ये इसके फॉर्म में मेरा आएगा ही नहीं। देयरफॉर इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, और यू कैन से इट इज अ रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो यहाँ ऐसे बनेगा कि अगर डिनोमिनेटर में पहले फैक्टर निकाल लो, चेक कर लो कि पहले एक चीज़ ये चेक करना है कि सिंपलेस्ट में है कि नहीं है, सिंपलेस्ट में है, अगर नहीं है तो बनाएंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, उसके बाद हम चेक करेंगे डिनोमिनेटर में। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर अगर आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर हो जाएगा। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 129 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यू इंटू 7 स्क्वायर। अब शो करना है कि ये रेशनल नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, दैट इज रिकरिंग डेसिमल नंबर होगा। तो क्या चेक करेंगे, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है, क्या क्या फैक्टर आ रहा है, 2, 5 और 7, ये 129 2, 5 और 7 तीनों का फैक्टर नहीं है, किसी से भी डिविजिबल नहीं होता, एग्जैक्टली डिविजिबल। तो हम कह सकते हैं कि 2, 5 and 7 आर नॉट द फैक्टर्स ऑफ 129, देयरफॉर इट इज व्हाट, इन सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। नेक्स्ट, अब हमें चेक करना है, हम क्या चेक करते हैं, डिनोमिनेटर 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब इंटू 7 स्क्वायर, क्या ये 2 के पावर m इंटू 5 पावर n के फैक्ट फॉर्म में है, 2 के पावर m है, 5 के पावर n है, लेकिन जो एक्स्ट्रा 7 आ रहा है वो तो यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तो वहाँ पर आ गया, तो वो इस फॉर्म में नहीं है। मतलब सिर्फ 2 और 5 होगा तब टर्मिनेटिंग होगा, अगर कोई एक्स्ट्रा आएगा तो वो इस फॉर्म में, इस फॉर्म का मतलब इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आना चाहिए, तो इस फॉर्म में नहीं है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर कि इट इज अ रिकरिंग डेसिमल नंबर, और यू कैन से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, दैट इज रिकरिंग डेसिमल नंबर। क्लियर हो गया, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हम लोग इरेशनल नंबर, वहाँ पर शो करेंगे, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि एग्जाम में क्वेश्चन इससे मस्त है कि वो आना ही आना है। ठीक है, सो एट लास्ट, इफ यू लाइक आवर टुडेज लेक्चर देन प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू फॉर टुडे।